हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक जो हमारा बीटी होता है, ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम होता है, उसकी यहाँ पे एक पुरानी कोई पड़ी हुई पीसीबी थी स्क्रैप में। तो मैंने इससे पहले एक म्यूजिक सिस्टम बनाया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली आईसी से, यहाँ पे ये CD6283। तो उसको क्या कर रखा है मैंने, ब्लूटूथ पर कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैंने कोई ब्लूटूथ एक्स्ट्रा किट नहीं खरीदी, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। इसकी यहाँ पे देख सकते हैं साउंड आईसी मेरी यहाँ पे ख़राब थी, ये साउंड आईसी यहाँ पे ख़राब थी। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसको खाली ब्लूटूथ के रूप पर ही यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको चेक करने के लिए, मेरा 5 वोल्ट का अडेप्टर है, इसका मैंने 5 वोल्ट यहाँ पर दे दिया, देख सकते हैं, जो कि बैटरी का यहाँ पे दे दिया, बैटरी का पॉजिटिव है और इधर पे बैटरी का निगेटिव है। तो 5 वोल्ट पॉजिटिव मैंने यहाँ पे दे दिया, निगेटिव तो कहीं पे भी दे दो, ये मैंने यहाँ पे दे दिया ग्राउंड USB के बॉडी पे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है, ये इनपुट सिग्नल होता है, मैंने इस वॉल्यूम के थ्रू यहाँ से ये देख सकते हैं वायर को लंबा करके जो हमारे इस वाले साउंड आईसी पे इनपुट होता है, इनपुट सिग्नल ब्लूटूथ का, उसकी पिन पे दे दिया। यहाँ पे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे ये आईसी नहीं लगी हुई थी, तो मैंने क्या करा, इसकी एक एक पिन पे टच करके इसको चालू करके, ब्लूटूथ कनेक्ट करके सॉन्ग चालू करके, एक एक पिन पे, इसकी 8 पिनें हैं, 4 एक साइड 4 एक साइड, इस पर एक एक पिन पे चेक करा और यहाँ पे मुझे मिल गया। अगर आपके पास आईसी नंबर पता है तो आप डायरेक्टली भी उसे पता कर सकते हैं। तो मेरा ब्लूटूथ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरी लाइट आ गई है, यहाँ पे मेरा स्विच है ऑन ऑफ का, ये मेरा ब्लूटूथ हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट भी करके दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा चालू हो चुका है, लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, सॉन्ग मेरा चल रहा है। मैंने यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप भी ब्लूटूथ किट से किसी और म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही।